मेरा नाम श्रीकांत हुआ। मेरा नाम अंशुमन हुआ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ नीतू मैम। मुझे 5 इयर्स से कोई बेबी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आई नीतू मैम के पास, उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आई और फर्स्ट टाइम ही आई, लेकिन मुझे गुड न्यूज़ मिला उनकी वजह से। आफ्टर डिलीवरी भी सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे। मुझे पता चला समहाउ मेरे बिल्डिंग में ही एक यहाँ से ऑपरेट हो रही थी, एक महिला थी बिल्डिंग में, उन्हीं से पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में। मैं स्टार्टिंग से ही अलकारी देवी हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह करवा रही हूँ। शुरू से ही जो है हम बहुत कोऑपरेटिव लगा। डॉक्टर जो मैडम है उनका बिहेवियर बहुत कोऑपरेटिव था और मिल के जो वहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट जो चालू किए, अभी तक जो है हम लोग को बेस्ट चीज़ें जो है वो मिल पाई हैं। इवन अपना एक्सपीरियंस अगर दिया जाए तो हमें अगर रेट किया जाए 5 में से, तो हम यहाँ पे 5 में से 5 स्टार देंगे। बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे जो है स्टाफ का बिहेवियर हो, चाहे हाइजीन हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आराम से हो जाता है। प्लस जो है वो अलग से केबिन की भी व्यवस्था है, जिससे कि थोड़ा सा प्राइवेसी भी बना रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। और डॉक्टर्स का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हाइजीन मेंटेन होता है काफ़ी। अगर रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़े तो विदिन 5 मिनट सारे स्टाफ अवेलेबल होते हैं। हर समय आप कभी भी आइए, अच्छा आपको फील होगा। सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बाथरूम तक लेके जाने में या फिर कहीं भी मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए होता था तो वो लोग तुरंत आ जाते थे मेरी हेल्प करने के लिए। और सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे। कॉल बेल बजाते टाइम में मतलब तुरंत बजाया और स्टाफ तुरंत आ जाते थे। साफ सफाई भी 3 टाइम तो होता ही था, मतलब सुबह मॉर्निंग में भी होता था, दोपहर में भी हो जाती थी और नाइट में भी एक बार लोग साफ करके चले ही जाते थे। गंदगी एकदम नहीं है। सर और मैम जो है रेगुलर विजिट पे ही आते थे, जो भी हमारी जो भी इशू है वो पूछे जाते थे और जो भी केयर करना है बेबी को, कैसे केयर करना है या फिर अपना कैसे केयर करना है वो सर बता के जाते थे, सर और मैम सारे।